this thing, natural vegetation. Okay, let me check. Yes, this is natural vegetation and wildlife. Basically, this is not a major slide change karna reh gaya. This is not the actual slide. You should mark it as terrestrial biome. Okay, terrestrial biome. Okay, test beta any day after 12. Any day, you will be given only 1 or 2 days notice. Okay. डन, पहले भी बता चुका हूँ, सिलेबस भी बता चुका हूँ, आप ग्रुप में पूछ लिया कीजिए. ओके ओके ओके, आप आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क मी. ओके, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग इन द, ये क्या कहते हैं, हमने बायोम करना था, ठीक है, लेकिन उससे पहले इकोसिस्टम हमने करना था. इकोसिस्टम में हमने पढ़ के आया कि देयर आर टू टाइप ऑफ नेचुरल, टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, आइदर इट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी मैन मेड. नेचुरल में क्या है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन. कौन सी चीज है, ठीक है ना, ओके, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सोलर रेडिएशन, एनर्जी सब्स्टिट्यूट्स, सब्सिडीज, ये कौन सी चीज है, ठीक है. अब देखो, नेचुरल जो इकोसिस्टम होता है जिसमें सोलर रेडिएशन, पता है क्या है, जो जितना भी आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं, उनके लिए एक ही चीज जरूरी होती है, सनलाइट. मैंने आपको पहले बताया था, एक इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है उनको खाना बनाने के लिए. तो ये वाला जो इकोसिस्टम होगा, जो नेचुरल इकोसिस्टम है, जो कि डिपेंडेंट अपॉन सोलर रेडिएशन है, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, रिवर्स, ओशंस, ग्रासलैंड्स, लेक्स, रिवर्स, डेजर्ट्स, ये सारा कुछ, ठीक है, ओके. इनमें ये प्रोसेस ज्यादा जरूरी है, आपको सनलाइट का ज्यादा जरूरी है. यहाँ पे डिपेंडेड ऑन सोलर रेडिएशन एंड एनर्जी सब्सिडीज, इसमें क्या क्या डालेंगे हम, जैसे कि जो इसी के स्पेशल, अब फॉरेस्ट में एक स्पेशल होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया. इसी तरह रिवर सिस्टम या लेक सिस्टम में टाइडल एस्टुअरीज एंड कोरल रीफ्स आते हैं, ओशंस में कोरल रीफ्स आते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे एनर्जी सब्सिडीज का क्या मतलब है, एनर्जी सब्सिडी का मतलब है कि ये इनका जो अलग से जो फूड चेन चलेगी या फूड वेब चलेगा, ठीक है, उसमें देयर विल बी अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनर्जी सब्सिडीज एंड अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. ओके, ये कैसे होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में या टाइडल एस्टुअरीज में या कोरल रीफ्स में, ये हम आपको, मैं अभी बताऊंगा आपको. अगर आपको याद हो तो व्हाट आर कोरल रीफ्स और एस्टुअरीज, फॉर दैट मैटर टाइडल एस्टुअरीज, दे आर द ट्रांजिशनल ज़ोन्स, या इसको आप इकोटोन भी बोलते थे, याद है, इकोटोन पढ़ के आए थे हम. ओके, तो वो ज्यादा इसमें देखने को मिलेंगे आपको, ट्रांजिशनल ज़ोन्स, ठीक है जी. या उसी तरह मैनमेड में भी होता है, मैनमेड भी डिपेंड अपॉन सोलर एनर्जी है. तो आपको पता है आपके सारे एक्वा कल्चर पॉन्ड्स होएंगे, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल फील्ड, जो आप धान लगाते हो, धान नहीं, कौन से क्या बोलते हैं उसको, राइस पैडी फील्ड्स होती हैं, ठीक है ना, झोना लाए दे आप, उसमें आपको पानी की जरूरत पड़ती है, तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन वाटर एंड सोलर रेडिएशन. ओके, सबका डिस्कनेक्ट हो रहा है, एनीबडी, इज इट ठीक, सबका ठीक है बेटा, अपनी तरफ से चेक करना, आपकी तरफ से कोई इशू होगा, है ना, ऑल ओके बाकी सबका, शिवम, ओके. तो इसी तरह फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट जो एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल से लेते हैं, उसको बोलते हैं अर्बन इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम. इसमें कोल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, ये सारा कुछ आ जाएगा, है ना. चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में. देखो, एक चीज याद रखना और ये चीज नोट कर लेना, बाद में पेपर में कभी आपको फायदा देगी ये चीज. ओके, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, ये बायोम की बात कहते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक फर्स्ट लेट मी नो टेरेस्ट्रियल में क्या क्या इंक्लूड करोगे आप.
फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, टुंड्रा, टेगा, ठीक है ना, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, ये चीजें आप यहाँ पे ऐड करोगे। एक्वाटिक में क्या ऐड करोगे? पॉन्ड्स, नेचुरल पॉन्ड्स जो होते हैं, रिवर होती है, ओशंस होते हैं, ये सारा कुछ है ना, एस्चुरीज हो गया, सारा कुछ हो गया, मड फ्लैट्स हो गया, ये सारे कुछ है ना। अच्छा, दूसरी बात है कि आप ये बताओ, हेलो, तो ये जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, गिव मी, आप ये बताओ इसमें व्हाट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर, जो एनर्जी और प्रोडक्शन को कम करेगा, ठीक है ना, बताइए लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा इसमें? वाटर बॉडीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, क्या बात कर रहे हैं यार? लिमिटिंग फैक्टर की बात कर रहा हूं, या टेम्परेचर? टेम्परेचर इज गुड थिंग, टेम्परेचर। ओके, प्लस प्रेसिपिटेशन, पीपीटी। व्हाट इज पीपीटी? यहाँ पे लिखा होगा, ये देखो, टेम्परेचर इज जनरली द ओवरराइडिंग क्लाइमेटिक फैक्टर दैट डिफाइन ए बायोम। ओके, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेशन इज मोर सिग्निफिकेंट देन टेम्परेचर। दो चीजें ही लिमिटिंग फैक्टर होती हैं बायोम में, खास करके टेरेस्ट्रियल बायोम में। नॉट, ये दो चीजें याद रखनी है हमेशा, कौन सी? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। क्यों याद करना जरूरी है? क्योंकि आप देखोगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा, इसमें सनलाइट भी नहीं आएगा, बढ़ेगा या कम होगा टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा तो वी आर मूविंग टुवर्ड ट्रॉपिकल रीजन्स, मोर ट्रॉपिकल रीजन, मोर बायोडाइवर्सिटी, मोर डिफाइंड, मोर विल बी द डाइवर्सिटी इन ए बायोम, ठीक है ना, मोर डाइवर्स द बायोम्स आर देयर। लेट मी शो यू अ पिक्चर, आर यू सीइंग दिस पिक्चर? देखो ध्यान से, दिख रहे हो? डिक्रीजिंग टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, इंक्रीजिंग लैटिट्यूड, ठीक है, एंड डिक्रीजिंग प्रेसिपिटेशन। ये तीन चीजें आपको समझ लग रही है, ध्यान से समझो इसको, इस डायग्राम को, ठीक है। जैसे जैसे आप ट्रॉपिक की तरफ मूव कर रहे हो, दैट मींस इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग लैटिट्यूड, ये समझ लग रहा है? ये आपका अर्थ है, सपोज अर्थ है, अर्थ में अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, जो मैं रेड लाइन शो कर रहा हूं अभी नीचे, लेट मी रिमूव ऑल द थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी ऑल्सो इंक्रीज द साइज एंड लेट मी ऑल्सो ड्रॉ लाइन यहां पे, देख, आर यू सीइंग दिस थिंग गाइस? इस तरफ को रेड लाइन दिखी अभी? ओके, तो दिस इज सपोज इक्वेटर एंड दिस इज योर पोलर एरिया, दिस इज योर पोलर एरिया, ऊपर वाला पोलर है, नीचे वाला इक्वेटर है। तो जैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर, जैसे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, व्हाट इज इंक्रीजिंग? नंबर ये बताओ पहले, इज माय टेम्परेचर इंक्रीजिंग? नो, दैट इज टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, तो ये डिक्रीजिंग टेम्परेचर लिख दिया, ठीक है। नाउ जैसे मैं इक्वेटर टू पोलर जा रहा हूं, इज माय लैटिट्यूड, लैटिट्यूड समझ रहे हो, 0 to 90 डिग्री, इज इट इंक्रीजिंग और इज इट डिक्रीजिंग? इट्स इंक्रीजिंग, लग रही समझ? ओके, नाउ ऊपर और नीचे वाला कंसेप्ट हो गया, ठीक है, टेम्परेचर और लैटिट्यूड का कंसेप्ट हो गया, ठीक है। नाउ इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन देखो आप ध्यान से, इस तरफ देखो, लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर, आप यहां से अगर यहां की तरफ जा रहे हो, ठीक है, ठीक है, तो
प्रेसिपिटेशन कैसी दिख रही है आपको? यहाँ पे ड्राई ट्रॉपिकल डेजर्ट है, प्रेसिपिटेशन विल बी लो, ओके। अगर यहां पे देखोगे प्रेसिपिटेशन विल बी हाई, समझ लग रहा? ये विद इन द सेम लैटिट्यूड है, ये सेम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? डन डन डन, ओके, यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट? सो इन अ बायोम, इन ए टेरेस्ट्रियल बायोम, ठीक है ना, वट आर द टू लिमिटिंग फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजों को निकाल देना है, दैट इज योर टेम्परेचर एंड दैट इज योर प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है, बहुत सारे कॉज हो सकते हैं, बहुत सारे आपके रीजन हो सकते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन कैन बी योर रेनफॉल, ठीक है, आपके वहां पे रेनफॉल कितनी है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन के अंदर फॉर्म ऑफ स्नो, प्रेसिपिटेशन कैन बी फॉर्म ऑफ हेल्स, ये सारे जो हैं, सारे जो अभी हैं आगे यहाँ पे हमने जो जितने भी लिखे हैं, दे ऑल आर नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है, ओके, या मॉइस्चर, वेरी गुड बीना, दैट्स अ वेरी गुड टर्म, मॉइस्चर, कितना मॉइस्चर है, ठीक है बेटा, एक मिनट रुकना जरा, मैं अभी आ रहा हूं।
ओके 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 गुड गुड गुड। चलिए, तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग अबाउट दीज लिमिटिंग फैक्टर्स, है ना। तो लिमिटिंग फैक्टर्स हमने बात किया कि प्रेसिपिटेशन जो है दैट इज अ लिमिटिंग फैक्टर, एंड लैटिट्यूड सॉरी प्रेसिपिटेशन एज वेल एज टेम्परेचर आता है लिमिटिंग फैक्टर्स, है ना। तो जिस तरह से आप ऊपर जा रहे हो, आपको ये नहीं लग रहा जैसे यहाँ पे, पहले आप देखो तो फॉरेस्ट के भी दो टाइप्स हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है आपके पास, ड्राई ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, फिर सवाना आ जाएगा। सवाना में भी देखो बीच बीच में थोड़े से दरखत दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं, देखो ध्यान से। ओके, ये देखो, और उसके बाद मॉइस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट है, और उसके बाद ड्राई ट्रॉपिकल डेजर्ट है, ठीक है ना। तो धीरे 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 धीरे, और इन दोनों के बीच हम क्या बोलते हैं, जैसे ग्रासलैंड सवाना और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बीच में भी क्या होगा, इकोटोन होगा। इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, इकोटोन होगा, इकोटोन होगा, ठीक है ना, इकोटोन होगा, है ना। डन डन डन। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, मैं अगर आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, इकोटोन का नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा एज वन मूव फ्रॉम इक्वेटर टू टुंड्रा रीजन, इक्वेटर टू पोलर रीजन, नंबर ऑफ इकोटोम्स, यस डिक्रीज होगा। सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहां जहां सबसे ज्यादा बायोम्स की डेफिनेशन होगी, वहां जहां पे सबसे ज्यादा बायोम्स वहां पे सबसे ज्यादा इकोटोम। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, बायोम्स की कैटेगरी या बायोम्स की जो क्या कहते हैं नंबर है वो हो रहा है कम, ठीक है जी। डन। अब देखो, ग्रासलैंड तो यहाँ पे भी है, टेम्परेट रीजन्स में, टेम्परेट रीजन्स यूजली कॉल फ्रॉम 36 डिग्री, ठीक है ना, 36 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, उसके ऊपर ये जो ऊपर वाला होता है सारे का सारा, यूजली वी कॉल दैट एज ट्रॉपिकल सॉरी टेम्परेट रीजन, है ना, 36 से 66 तक। ओके, 30 डिग्री जो है वो हम नॉर्मली टॉक करते हैं टेम्परेट रीजन को। टेम्परेट रीजन में भी आप देखोगे यहाँ पे फॉरेस्ट यहाँ पे भी है, क्या रेन फॉरेस्ट है, नो, ठीक है ना, डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, देखो ग्रासलैंड्स यहाँ पे भी है, ग्रासलैंड्स यहाँ पे भी है, नाम चेंज हो जाएगा। टेम्परेट ग्रासलैंड्स को आप प्रेरी स्टेपिस भी बोल सकते हो, सवाना ये भी होता है ना, सवाना भी एक तरह का ग्रासलैंड है, लेकिन क्या कंपोजिशन भी दोनों की सेम है, ग्रासलैंड्स की टेम्परेट और ट्रॉपिकल की, बताइए। नो, क्यों डिफरेंट है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो, लेट मी क्लियर इट आउट, तो अगर आप टेम्परेट ग्रासलैंड्स को देख रहे हो तो यहाँ पे कोई दरखत नहीं है, अगर आप ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को देख रहे हो तो वहां पे दरखत भी आपको इक्का दुक्का दरखत दिख जाएंगे। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, एक तो बायोम्स और इकोटोन्स दोनों डिक्रीज होएंगे, कंपोजिशन भी चेंज होगी, ठीक है, बायोम्स की, चाहे ये भी ग्रासलैंड है, सवाना भी ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी है हमारे पास, बट इनकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। डन। टेम्परेट डेजर्ट की जो है वो कंपोजिशन चेंज होगी ट्रॉपिकल डेजर्ट से। ओके, डन डन डन। ओके, यू अंडरस्टूड दिस? Got it? चलिए, now these are the important limiting factors, इसको हमें limiting factors, अच्छा ये तो हो गया terrestrial में, अब aquatic में बारे में भी बात कर लेते हैं। aquatic में क्या limiting factor होता है, ये हम वैसे आगे जाके discuss और करेंगे, लेकिन अभी हम just एक point कर रहे हैं notice, okay? यहाँ पे अभी आपकी वो बन जाए, व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक्वाटिक में सैलिनिटी, ओके दैट्स अ गुड पॉइंट, वाटर इज अ लिमिटिंग फैक्टर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, नो, ओके ओके बेटा, सनलाइट, वेरी गुड दीक्षा, सनलाइट इज ए लिमिटिंग फैक्टर, वाटर तो आपको चाहिए ना, अगर वाटर नहीं है तो आपको वो लिमिटिंग फैक्टर थोड़ा है, वाटर तो चाहिए, जो नेसेसिटी है, आप जैसे एयर थोड़ा लिमिटिंग फैक्टर बोलोगे टेरेस्ट्रियल बायोम में, समझ रहे हो, टेम्परेचर, सनलाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर,
जिस प्रकार से सनलाइट होएगी उस प्रकार से आपका वहां पे होएगा बायोम्स की या बायोडाइवर्सिटी की वैसी होगी। जैसे अगर आप देखो, सपोज दिस इज द बीच एरिया, यहाँ पे पानी आ रहा है, उसके बाद नीचे की तरफ, ठीक है, फिर ऊपर, फिर इस तरफ। दिस इज सपोज दिस इज ए पॉन्ड एरिया, ना लाइट यहाँ पे ज्यादा पड़ती है, लाइट यहाँ पे ज्यादा पड़ती है ना, यहाँ पे लाइट थोड़ी कम पड़ेगी कंपैरेटिवली। यहाँ पे नीचे अगर देखोगे 10 मीटर्स में और कम पड़ेगी, और ज्यादा नीचे जाओगे तो बैंथिंग एलिमेंट्स आ जाएंगे, है ना। ओके ओके ओके, ठीक है। तो सनलाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ठीक है, मोर देन टेम्परेचर, मोर देन प्रेसिपिटेशन, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी है, यहाँ पे प्रेसिपिटेशन थोड़ा लिमिटिंग फैक्टर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटिंग फैक्टर इज द न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज इनहेरेंटली आपके जो ये होते हैं ना, क्या कहते हैं, ओशंस है, पॉन्ड्स है, दे आर नॉट न्यूट्रिएंट रिच। हम पढ़ेंगे इसको भी, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट रिच नहीं होते हैं वो। तो न्यूट्रिएंट रिच नहीं है तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट्स है, तो जैसे कि लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे कौन होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, हमने कल ही पढ़ा था सेडिमेंटरी साइकिल्स में, ठीक है ना। तो न्यूट्रिएंट्स एंड द सनलाइट आर द लिमिटिंग फैक्टर्स इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, एंड फॉर टेरेस्ट्रियल बायोम द सेम आर टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। डन, ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझानी चाहिए थी। लग गई बेटा, आगे चलें। चलिए जी, चलिए, ठीक है। तो लाइट इज रिलेटिवली प्लेंटिफुल इन बायोम्स एक्सेप्ट इन सर्टेन एनवायरमेंट सच एज रेन फॉरेस्ट फ्लोर, ठीक है। अदर ए बायोटिक फैक्टर्स टू सर्टेन बायोम सेंसिटिव इंक्लूड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स एज रैपिड चेंजेस, फायर, फ्लड्स। तो ये सारे सेंसिटिव होते हैं ए बायोटिक फैक्टर्स के लिए। ए बायोटिक फैक्टर्स लाइक फायर आ गए, फ्लड आ गए, ड्रॉट आ गए, तो ये भी आप मतलब सेंसिटिव होते हैं काफी इंडिविजुअल्स वहां पे। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया बुश फायर इंसिडेंस हुआ था, वहां पे भी काफी प्रॉब्लम आई थी, तो वो भी एक तरह का लिमिटिंग फैक्टर होता है। दे आर नॉट दैट मच, दे आर एक्सट्रीम इवेंट्स। ओके, चले आगे। चलिए फिर आगे आता है हमारे पास एलिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एलिवेशन ये बड़ा अफेक्ट करती है बायोम, टेरेस्ट्रियल बायोम। तो आपने देखा होगा जैसे जैसे पहाड़ है ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे समुद्र है, इस तरफ समुद्र है, इस तरफ इसके समुद्र है, सपोज ये बड़ा समुद्र है सारा एरिया, तो ये पहाड़ है, ठीक है, इस तरफ समुद्र सारे का सारा, ठीक है, ठीक है, और इस तरफ से जब हवा आएगी, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज को बात करते जाते ही उस ऊपर चढ़ेगी, तो यहाँ बारिश हो जाएगी मॉइस्चर के कारण, ठीक है ना, बहुत ज्यादा मॉइस्चर होगा। इस तरफ को कैटाबेटिक विंड जाती है, यानी कि ड्राई विंड जाती है। अगर यहाँ पे लैंड है सारी की सारी, दिस इज नॉट पानी, तो ये पानी क्या करेगा, ये लैंड क्या करेगी, ये लैंड सूखी रहेगी, यहाँ पे एरिड कंडीशन होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रास लैंड देखने को मिलेगा, ठीक है, और इस तरफ आपको देखने को मिलेगा क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेसिपिटेशन है। डन डन डन, आर यू बेटा, गुड। तो एलिवेशन, क्योंकि अब ये देखो एलिवेशन से क्या हमारा तात्पर्य है, जो यहाँ पे होएगा वेजिटेशन, लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर, जो वेजिटेशन यहाँ पे होएगी वो वेजिटेशन इस लेवल पे नहीं होएगी, या वो वेजिटेशन इस लेवल पे नहीं होएगी, या वो वेजिटेशन इस लेवल पे नहीं होएगी, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होगा। जब आप पहाड़ से नीचे की तरफ भी आते हो तो आपने देखा होगा पहले बिल्कुल आइस कैप्स होती हैं। अगर आप हिमालय पे जाओ तो ऊपर, बिल्कुल ऊपर वहां पे हिमालय के आइस कैप्स हैं। जैसे जैसे नीचे आना शुरू करते हो, फिर आपको लाइकन्स की तरफ देखने को मिलता है, लाइकन्स, मॉसिस, छोटे छोटे पौधे आपको देखने को मिलते हैं। और जब और नीचे आते हो तो फिर और देखने को मिलता है आपको अच्छे से, और छोटे छोटे दरख्त निकलने को मिलते हैं। फिर जब और नीचे आते हो तो फिर आपको पाइन ट्रीज देखने को मिलते हैं,
ठीक है ना, और नीचे जाते हो तो फिर आपका जैसे जैसे आप समतलीय इलाके पे आना जाते हो वैसे वैसे वेजिटेशन भी चेंज होती है, तो एलिवेशन इज ऑल्सो अ मेजर फैक्टर इन टेरेस्ट्रियल बायोम्स। ओके, ठीक है, क्यों ये डिफरेंट है, व्हाई एलिवेशन इज अ फैक्टर इन टेरेस्ट्रियल बायोम, बिकॉज जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, चढ़ाई चढ़ते हो, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। यहाँ पे भी फैक्टर, एलिवेशन पे भी कौन से दो फैक्टर एक्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। बट क्योंकि टेम्परेचर वहां पे जैसे जैसे ऊपर जाते हो, वही डायग्राम फिर से याद रखो, जैसे जैसे आप यहाँ पे, तो आप मूव कर रहे थे ना ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अगर आप ऊपर की तरफ मूव नहीं भी कर रहे हो, जब पहाड़ भी चल रहे हो, तो आपको पता होगा कि भैया जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हो तो टेम्परेचर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। ओके, गॉट एंड गुड, चले आगे। चलिए जी, ओके ओके, सो वी हैव डन दिस, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। हाँ, तो लेट अस डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बायोडाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना किंगडम। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट फ्लोरा एंड फौना डाइवर्सिटी, तो रिलीफ फीचर्स और कौन कौन से हैं, जैसे कि लैंड और सॉइल, ये भी अफेक्ट करते हैं बट इतना अफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, कि भाई ये आप बोलो कि लिमिटिंग फैक्टर है, ठीक है। लैंड कैसे, कि नेचर ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप ऑफ वेजिटेशन, ये आपको पता ही है, हम पहले भी करके आए थे सॉइल का बारे में, है ना। दे आर ए बायोटिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट, ओके, बट दे आर नॉट द लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर सिर्फ दो ही हैं, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन जिसको बोलते हो, और हम बोलते हैं किसको, रेनफॉल एंड, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। यस, फर्टाइल लेवल लैंड इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। ओके, अंडुलेटिंग एंड रफ टेरेन आर एरियाज वेयर ग्रास लैंड एंड वुड लैंड डिवेलप एंड गिव शेल्टर टू वराइटी ऑफ लैंड, ठीक है ना। यूजली ये इकोटोन होते हैं, मैंने आपको बताया ग्रास लैंड, दे आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन फॉरेस्ट एंड अदर इकोसिस्टम, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेवलप होते हैं आपके ग्रास लैंड या वुड लैंड बोलते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंड, ये सॉइल्स भी होती हैं, आपके पास सैंडी सॉइल होती है जो डेजर्ट में पाई जाती है, अलूवियल सॉइल होती है जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ गंगा में पाई जाती है, उसके अलावा मेट मार्शियन डेल्टोइक सॉइल्स होती हैं हमारे पास जो मैनग्रोव्स एंड डेल्टोइक वेजिटेशन में पाई जाती है, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लोप्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आते हैं, ठीक है ना, दैट आल्सो अफेक्ट्स डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन। इसके अलावा आप फोटो पीरियड्स तो पढ़ के आए थे ना, अभी हमने जब फोटो पीरियड, फोटोनास्टिक मूवमेंट, फोटोट्रोपिज्म पढ़ के आए थे, ये सारा तब मैंने ये डिस्कस किया था, लॉन्ग ड्यूरेशन एंड सनलाइट, स्मॉल ड्यूरेशन सनलाइट, ठीक है ना। टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो ये अल्पाइन क्या होता है या सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो ट्रॉपिकल का भी मैटर आपको देखने को पता चलेगा। जैसे अगर हम बात करते तो पहाड़ों में, जैसे अगर आप बिल्कुल यहाँ पे हो इस एरिया में, तो आपको ट्रॉपिकल क्लाइमेट की तरह दिखेगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो फिर सब ट्रॉपिकल आता है, जैसे जैसे और ऊपर जाते हो पहाड़ों में चढ़ते हो तो आपको वेजिटेशन दिखेगी टेम्परेट ग्रास लैंड की, जैसे जैसे और ऊपर जाते हो तो आपको छोटे छोटे पौधे दिखने शुरू होंगे, ठीक है ना, टुंद्रा टेगा रीजन के, टेगा रीजन। तो जैसे जैसे ऊपर आते जाते हो, और यहाँ पे वैसे आपको माउंटेन पीक पे पहुंचते हो या हिमालय की चोटी पे पहुंचते हो, एवरेस्ट की चोटी पे पहुंचते हो, यहाँ पे सिर्फ परमानेंट आइस ही है। ओके, डन, इन एरिया में, इस एरिया में। ओके, तो एलिवेशन इट इज हाउ अफेक्ट्स योर क्या कहते हैं वेजिटेशन। नॉर्मली हम 1915 मीटर लेके चलते हैं हाइट, ठीक है ना। ओके, डन, ओके, चलिए, सो वी हैव डन दिस। बिफोर वी मूव फर्दर एंड फर्दर डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ बायोम्स, प्रेसिपिटेशन भी होता है बताया आपको, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जो होगा वो आपका कहाँ पे होगा, लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है ना, ये भी आपको बता दिया, क्या क्यों लिमिटिंग फैक्टर होगा ये भी बता दिया, सॉइल मॉइस्चर को
या उसके कंटेंट को, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा ये बताना, इफ देर इज मोर प्रेसिपिटेशन, व्हाट वी कैन से अबाउट डेट्राइटस फूड चेन? बताइए, व्हाट वी कैन से अबाउट डेट्राइटस फूड चेन? डिक्रीज, डेट्राइटस फूड चेन डिक्रीज हो जाएगी? डिक्रीज और इंक्रीज का तो कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ ओके तो डेट्राइटस जो फूड चेन है उस पे इफेक्ट ये पड़ेगा। देखो जैसे अगर आप यहां से ऊपर की तरफ मूव करते हो, एंड वी मूव फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू अ टेम्परेट रेन फॉरेस्ट, ऑलवेज रिमेम्बर व्हाट विल बी द मॉइस्चर, वेयर विल बी द मॉइस्चर मोर, वेयर विल बी द टेम्परेचर मोर। ये दो चीजों का ध्यान रखना है। देखो डेट्राइटस फूड चेन एक्टिविटी विल बी मोर व्हेन द टेम्परेचर इज मोर एंड मॉइस्चर इज मोर। लिख लो ये चीजें, डेट्राइटस फूड चेन एक्टिविटी विल बी मोर व्हेन देयर इज मोर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, और देयर इज इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, तो यहां पे डेट्राइटस फूड चेन एक्टिविटी कंप्लीट होगी। ठीक है, यहाँ पे आपके जब जब आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप टेम्परेट रीजन्स में जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो मॉइस्चर का कंटेंट है और जैसे जैसे आप टेम्परेचर की बात करोगे, दोनों कम होएंगे। जैसे ही दोनों कम होएंगे, एरोबिक एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस। ओके, तो डेट्राइटस फूड चेन एक्टिविटी भी डिक्रीज होएगी। यस, आप इस हिसाब से डिक्रीज बोल रहे थे। यस गुड गुड गुड, ठीक है, तो ये भी डिक्रीज होगी। इसका मतलब समझो आप, इफ देयर इज डिक्रीज इन एक्टिविटी ऑफ डेट्राइटस फूड चेन, ओके, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ पीटी सॉइल्स, मार्शी सॉइल्स। ओके, वो कहाँ पे पड़ा होंगी ज्यादा? टेम्परेट पॉटलैंड्स में। ओके गुड, टेम्परेट रीजन्स में यू विल सी मच मोर पीटी सॉइल्स, मच मोर, जहां पे कंप्लीट डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डज नॉट टेक्स प्लेस, वो होगा आपका टेम्परेट रीजन। ओके, तो आप कनाडा में देखने को, आपको ये सॉइल कनाडा में देखने को मिलेगी, यूएसए के अपर रीजिस में देखने को मिलेगी, चाइना के अपर रीजिस में देखने को मिलेगी, कजाकिस्तान के अपर रीजिस को देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पे देखना होगा, लेट मी शो यू। तो इट विल बी मोर प्रेजेंट इन दिस एरिया, इन मोर प्रेजेंट इन दिस एरिया, दिस एरिया, ठीक है, इस एरिया में ज्यादा ये सॉइल आपको देखने को मिलेगी। वाई? अगर आप देखो तो ये रहा आपका 0 डिग्री, मान के चलो ये 0 डिग्री है, ये टेम्परेट रीजन है। ठीक है, इफ आई यू कैन सी इट ओवर हियर, इट इज अबव 40 डिग्रीज, यहाँ पे देखो। ठीक है, तो यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, डिड यू, डिड दैट सॉल्व समथिंग फॉर यू? ओके है, कॉपी पेन लगा के बैठे हुए हो ना? ठीक है, चलिए, सो वी हैव डन डिस्कस दिस थिंग्स एज वेल। फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप खुद पढ़ लो, क्या जरूरत है। नाउ अभी जो आपने पढ़ना है उसके लिए कॉपी पेन लेके बैठो, और आज का होमवर्क भी मैं दूंगा साथ साथ में। व्हाट इज वर्जिन वेजिटेशन? हाँ
ओके, प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमंस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज नोन एज वर्जिन वेजिटेशन। जो अभी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो जितने भी आज हम की स्पीशीज की बात करेंगे, जितने भी आज हम वेजिटेशन की बात करेंगे, वो आपको सब में लिखना है और डिफरेंशियल डायग्नोज करेंगे हम इस एक एक चीज को। ओके, तो फर्स्ट हम बात करते हैं वर्जिन वेजिटेशन। ओके, वर्जिन वेजिटेशन जो होएगी दैट विल बी मच मोर दैट हैज ग्रोन नेचुरली, दैट हैज, तो ये एक तरह की आपके सक्सेशन में भी आएगी। ठीक है, सक्सेशन में व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन विल इट बी? यूजली क्लाइमैक्स। ओके, यूजली क्लाइमैक्स कम्युनिटी। ओके, दैट हैज बीन लेफ्ट देयर टू ग्रो नेचुरली, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट दी ह्यूमन इंटरफेरेंस, विदाउट दी एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस। तो आप इसको सेक्रेट ग्रुप की तरह भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये वर्जिन वेजिटेशंस होती हैं जिनको वहां पे उगने के लिए बहुत टाइम मिला हुआ है, वो एक पर्टिकुलर बायोम, पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, और पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए वहां इक्वली सूटेबल है। ठीक है, डन, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गुड गुड गुड। तो ये प्लांट कम्युनिटी वैसी है। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, ध्यान से याद करना उस चीज को, जितनी भी कम्युनिटीज बोल रहा हूं वो पेपर में आ चुकी हैं सारी की सारी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की, तो आप देखने को मिलेगा आपको, ये देखो की स्टोन स्पीसीज हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, फाउंडेशन स्पीसीज भी हम पढ़ के आ चुके हैं। व्हाट आर की स्टोन स्पीसीज बताइए? जितनी भी स्पीसीज अब बोलूंगा ना उनके बारे में आपको पता होना चाहिए सबके सब। टॉप कार्निवोर, इज इट नेसेसरी कि वो टॉप कार्निवोर ही होंगे? बताइए, नो, इट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है ना, तो इट कैन बी हर्बीवोर एज वेल। मैंने आपको पहले एक एग्जांपल भी दी थी एलिफेंट की, है ना। तो कीस्टोन स्पीसीज वो एनिमल या प्लांट स्पीसीज होते हैं, तो इट कैन बी बोथ, इट कैन बी एनिमल, इट कैन बी प्लांट एज वेल, दैट प्ले ए यूनिक एंड क्रूशियल रोल इन द वे एंड इकोसिस्टम फंक्शन। ठीक है, विदाउट दैम द इकोसिस्टम वुड बी ड्रामेटिकली डिफरेंट और सीज टू एग्जिस्ट ऑल टूगेदर। तो मैंने ये बताया था आपको कि ये वो चीजें होंगी जिसके ऊपर सारे का सारा इकोसिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊंगा एक चीज और, तो फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में सुना है आपने? देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, ओशन का इकोसिस्टम होता है, जैसे मैंने बताया था फाइटोप्लैंक्टन्स के बारे में, है ना। क्रिल्स के बारे में सुना था? क्रिल्स के बारे में, क्रिल्स, ठीक है, ये वो जीव जंतु हैं जिसकी जो कि बहुत जो कि बनाते हैं सारे का सारा वेब, फूड वेब ऑफ ओशन। ठीक है, इनको छोटी मछलियां भी खाती हैं, स्मॉल फिशेस, कितनी तरह की फिशेस खाती हैं इनको, ठीक है ना, बहुत सारी स्मॉल फिशेस खाती हैं इनको, इनको टर्टल्स भी खाते हैं, टर्टल्स भी खाते हैं इनको, ठीक है, टॉर्टॉइस भी खाता है इनको, सी हेम्प भी खाता है इनको, बहुत सारी और प्रजातियां भी खाती हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है ना, ये सारी की सारी, सॉरी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है ना, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अब इन सबको कौन खाता है? इन सबको, चाहे वो ऑक्टोपस हो, चाहे वो ये है, ये सारी सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, इन सबको कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर्स खाते हैं। तो वो सारे किस पे डिपेंडेड है? इन पे डिपेंडेड है, छोटी छोटी चीजों पे, जैसे कि वे ले लो, जैसे कि आप ले लो, क्या कहते हैं, शार्क्स ले लो, जो कि ओशन इकोसिस्टम में आते हैं। ठीक है, तो डैट मीन्स क्रिल्स आर कीस्टोन स्पीसीज जिसके ऊपर इतना ज्यादा फूड वेब डिपेंडेड है। बताइए, नो,
आंसर इज नो, अ फ्लैट नो. व्हाई? बिकॉज क्रिल्स आर डिपेंडेंट अपॉन समथिंग एज वेल, दे आर फाइटोप्लैंक्टन्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. ओके, तो अगर किसी कारणवश फाइटोप्लैंक्टन्स विलुप्त हो जाते हैं तो क्रिल्स तो अपने आप मर जाएंगे. जब क्रिल्स मर जाएंगे तो सारा सिस्टम क्लैप्स कर जाएगा. तो इनडायरेक्टली होल सिस्टम इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? फाइटोप्लैंक्टन्स. ओके, दे आर द की स्टोन स्पीसीज. नाउ यू गॉट दिस डिफरेंस? यस, वही फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. यू गेट दिस पिन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, तो ये समझ लगा कि वो अगर नहीं होएंगे तो इकोसिस्टम का जो पूरे का पूरा आधार है, आधारशिला है उसकी, वो डिफरेंट हो जाएगी. ओके, इसी तरह एग्जांपल है की स्टोन स्पीसीज की सी ऑटर. नेट में जब डालना क्या होता है सी ऑटर, ठीक है ना, ये जो है ये सी अर्चिन्स, ये ओशन इकोसिस्टम का हिस्सा आता है. सी अर्चिन्स की कंट्रोल करता है पॉपुलेशन. ये सी अर्चिन्स क्या है, अगर इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं, बता रहा हूँ यार, बता रहा हूँ मैं, एक मिनट रुको, ठीक है, तो वो सी वीड पूरा का पूरा फैल जाएगा और पूरे का पूरा इकोसिस्टम को खा जाएगा वो, ठीक है ना. तो ये चीजें होती हैं, ठीक है. कीस्टोन स्पीसीज आर ऑफन बट नॉट ऑलवेज अ प्रीडेटर. तो टॉप कार्निवोर आर नॉट ऑलवेज अ प्रीडेटर, दे कैन बी हर्बीवोर्स एज वेल. तो कौन सा हर्बीवोर? एग्जाम्पल मैंने बताई थी एलिफेंट, जो कि कीस्टोन स्पीसीज है, जो कि किसकी टी पॉपुलेशन को रेगुलेट करता है. अब देखो दी आंसर सुनो, हाउ एलिफेंट इज ए कीस्टोन स्पीसीज, ये भी तो आपको पता होना चाहिए. एलिफेंट कैसे कीस्टोन स्पीसीज है? नाउ वेयर इज एलिफेंट फाउंड? वेयर इज एलिफेंट फाउंड? नेटिव हैबिटेट कौन सा है उनका? फॉरेस्ट. वेरी गुड, फॉरेस्ट होता है, नॉट ए फॉरेस्ट पर सी, बट दे आर यूजली अफ्रीकन जो एलिफेंट होता है, दैट इज यूजली फाउंड इन, एलिफेंट यूजली फाउंड इन अफ्रीकन सवाना, ठीक है. ओके, तो अफ्रीकन सवाना, इसमें करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, बहुत सारा ग्रास होता है प्लस इक्का दुक्का आपके पास ट्रीज होते हैं. ओके, इक्का दुक्का ट्रीज होते हैं, दिख रहा है आपको, ठीक है. अफ्रीकन स्वाना प्लस इसमें ग्रास और ट्रीज होते हैं. अगर ये यहाँ पे ना, और जो ये जो एलिफेंट्स होते हैं दे यूजली डिपेंड अपॉन ट्रीज, ठीक है ना, ये ट्रीज को खाते हैं, ट्रीज से पत्तियां तोड़ते हैं, ट्रीज को तोड़ते हैं, ठीक है. अगर ये नहीं होएंगे, सपोज, ठीक है ना, ये एलिफेंट्स हैं जो, ये अगर किसको खाते हैं, दे डिपेंड अपॉन ट्रीज नॉट ग्रासेस, ये घास नहीं खाते हैं, ये क्या खाते हैं, ट्रीज को खाते हैं, ट्रीज को तोड़ते हैं, ठीक है ना. तो अगर ये ट्रीज के ऊपर नहीं होएंगे तो व्हाट विल हैपन, ठीक है ना. अगर ये नहीं होएंगे, अगर ये सपोज हम मानते हैं कि एलिफेंट विलुप्त हो गए किसी तरह से, तो ट्रीज क्या हो जाएंगे, प्रोलिफरेट हो जाएंगे, ठीक है. जब ट्रीज प्रोलिफरेट हो जाएंगे, कहाँ पे प्रोलिफरेट होंगे, कहाँ पे ज्यादा बढ़ेंगे ये, कहाँ पे ट्रीज की तादाद ज्यादा बढ़ेगी, ये देखो, ठीक है, कहाँ पे बढ़ेंगे ज्यादा, दे विल ग्रो इन दिस एरिया, ठीक है. लेट मी इंक्रीज द हाइलाइटर, लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज, सॉरी, लेट मी क्लियर इट ऑल फॉर यू. ओके, आर यू सीइंग दिस, ठीक है. तो कहाँ पे इनका बढ़ेगा लेवल, कहाँ पे बढ़ेगा, ये देखो यहाँ पे. अगर यहाँ पे ट्रीज बढ़ रहे हैं तो व्हाट इज, वही फॉरेस्ट का आगे को मूव कर रहा है, ठीक है, फॉरेस्ट को आगे को मूव कर रहा है और ट्रीज यहाँ पे बढ़ रहे हैं. अगर यहाँ पे ट्रीज बढ़ेंगे तो ग्रास लैंड चला जाएगा, इकोटोन एरिया कलेप्स हो जाएगा. अब ध्यान दो, यहां पे चरने कौन आता है ज्यादा, सारे का सारा यहां पे. ओके, लेट मी रिमूव दिस ऑल फॉर यू अगेन. इस पर्टिकुलर इकोटोन में, इस पर्टिकुलर इकोटोन में कौन आता है आपके पास, बताइए, सारे के सारे मवेशी आएंगे चरने के लिए. अब मवेशी कौन से हैं, काओ, बफेलो, लोकल डियर, सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे,
ठीक है, तो अगर प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट बन चुका है, ठीक है ना, गोट बन चुका है, तो उसके ऊपर जो सेकेंडरी कंज्यूमर है या टर्सरी कंज्यूमर है वो भी तो कलैप्स करेंगे, समझ रहे हो? तो यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर जो लॉयन है दैट इज नॉट ए की स्टोन स्पीसीज हियर, दैट द की स्टोन स्पीसीज हियर इज जो चेक करता है ट्रीज की पॉपुलेशन को, ट्रीज की पॉपुलेशन को चेक कौन करता है? एलिफेंट्स। ये समझ लगना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना? तो कई बार हमें लगता है यार कि ये तो लॉयंस होना चाहिए था यहाँ पे, वो रेगुलेट करते हैं सारी चारी एक्टिविटी को। नहीं, इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम, खास करके इन सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, द की स्टोन स्पीसीज हियर इज एलिफेंट। ओके, अगर एलिफेंट विलुप्त हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि भैया ग्रास लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा अफेक्ट पड़ सकता है, वो मिट भी सकता है, वो इको टोन खत्म भी हो सकता है। गॉट इट एवरीवन? समझ लगा? नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, दैट इज फाउंडेशनल स्पीसीज। व्हाट आर फाउंडेशन स्पीसीज? ये क्यों करा रहा हूं बेटा, आप पेपर उठा के देख लो, बहुत सारे क्वेश्चंस इन चीजों पे पूछे गए हैं, ये मैं अभी करवा रहा हूं तभी। फाउंडेशन स्पीसीज कौन से हैं? इट रेफर्स टू दो स्पीसीज दैट क्रिएट्स और मेंटेन्स एन इकोसिस्टम। ओके, यानी कि जो डोमिनेंट वेजिटेशन होती है वहां की, बेसिकली वी कॉल दैट एज फाउंडेशनल स्पीसीज, ठीक है ना? अगर आप कोरल रीफ के बारे में बात करते हो, कोरल रीफ के बारे में, ठीक है ना, तो व्हाट इज द कोरल्स? कोरल्स कौन बनाता है? बताया था हमने, जूसेंथेल और पॉलियप की एसोसिएशन होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। तो कोरल रीफ्स में आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा? कोरल्स, ठीक है ना? ठीक है, अब कोरल रीफ्स में प्रजातियां किस तरह की होगी जो कोरल रीफ्स को खाती है, ठीक है ना, कोरल रीफ्स पे डिपेंड करती हैं, कोरल रीफ्स के ऊपर जाती हैं, है ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो फाउंडेशनल स्पीसीज कौन सी होती हैं जो वहां पे पैदा होती हैं, जो वहां के इको स्ट्रक्चर को अपनी तरफ से मोल्ड करती हैं? डन डन डन। ठीक है ना, एवरीवन गॉट इट? एग्जाम्पल दे लो, मेडोज भी होते हैं, कैल्प फॉरेस्ट भी होता है, हार्डवुड फॉरेस्ट भी होता है। ये जो फॉरेस्ट होते हैं या ये जो ग्रासेस होते हैं, ठीक है ना, दे पर्टिकुलरली ग्रो इन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड उसी के ऊपर सारी की सारी इकोसिस्टम डिपेंड करती है, तो दे आर नोन एज फाउंडेशनल स्पीसीज। अब ग्रासलैंड में फाउंडेशनल स्पीसीज क्या होंगे? ग्रासेस ही होंगे ना, डिफरेंट टाइप का ग्रास, ठीक है? ओके, अब ये देखो, लेट मी शो यू समथिंग, या इन दिस फोटो, लेट मी क्लियर इट आउट फॉर यू। यू नो ग्रासलैंड्स, टेम्परेट ग्रासलैंड्स होते हैं ये, और ये सवाना ग्रासलैंड्स होते हैं ना, इनमें ग्रासेस भी तो पर्टिकुलर होते हैं ना, है ना? तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, यहाँ पे ग्रासलैंड्स नहीं होते, टेगा में देयर इज मैडोस, ठीक है ना, मैडोस, मैडोस, ठीक है ना? तो मैडोस क्या होते हैं या मैडोस क्या बोलते हैं? बेसिकली दे आर ग्रासलैंड्स, बट वहां पे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रास ही होता है, ठीक है ना? अब जो इकोसिस्टम ये बनाएंगे दैट विल बी डिपेंडेंट प्राइमरीली ऑन मैडोस, ठीक है ना? तो वो जो है वो हम उस क्या कहते हैं, हम बायोम को, या उस हम क्या कहते हैं स्पीसीज को हम बोलेंगे फाउंडेशनल स्पीसीज। दे आर नॉट पायोनियर स्पीसीज। मान लीजिए, व्हाट आर पायोनियर स्पीसीज? ये हम इकोलॉजी में सक्सेशन में पढ़ के आए थे, पायोनियर स्पीसीज, है ना? पायोनियर स्पीसीज होती है जो वहां पे जाके सबसे पहले उगती है, जहां पे कोई चीज नहीं उग रही है, तो लाइकेंस इज ए पायोनियर स्पीसीज, ठीक है ना? याद है हमने पढ़ा था, सबसे पहले इज पायोनियर। फाउंडेशनल स्पीसीज वो होती है जो कि नॉर्मली दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, दे आर द ऑटोट्रॉफ्स मोस्टली, ठीक है ना? फाउंडेशन मोस्टली, फाउंडेशन पे कौन होगा सबसे नीचे फूड लेवल पे? कौन होता है फूड चेन पे? कौन होता है नीचे? ऑटोट्रॉप्स। तो यूजली दे आर ऑटोट्रॉप्स, दे आर ग्रासेस, दे कैन बी ट्रीज, दे कैन बी फॉरेस्ट, दे कैन बी कोरल रीफ्स, दे कैन बी एस्चुरी, दे कैन बी एनीथिंग, ओके, जो कि ग्राउंड लेवल पे है, जो कि सबसे नीचे प्रोड्यूसर लेवल पे है। यस, ओके, यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए पायोनियर स्पीसीज एंड अ फाउंडेशनल स्पीसीज एंड क्या कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज? तीनों में डिफरेंस हमें लगा, अभी ध्यान से समझो इन चीजों को।
ठीक है, तो कोरल्स इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है, ग्रासलैंड्स की एग्जाम्पल आ जाएगी, कोई ग्रास वहां पे पर्टिकुलरली उगता है तो, ठीक है ना, जिसके ऊपर सारी की सारा इकोसिस्टम डिपेंड करता है। यूजली कीस्टोन स्पीसीज कैन बी बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दे कैन बोथ बी हेटरोट्रॉप्स और दे कैन बी यू कैन से ऑटोट्रॉप्स, दे कैन बी टॉप कार्निवोर आल्सो, बट फाउंडेशनल स्पीसीज आर मोस्टली व्हाट दे आर ऑटोट्रॉप्स ओनली, ओके, जिसके ऊपर सारे का सारा इकोसिस्टम डिपेंड करता है। डन डन डन। ओके, गॉट इट। नाउ अनदर स्पीसीज इज अ फ्लैग स्पीसीज। ये जितने भी लिख रहा हूं इनके आपके डिफरेंस आने चाहिए। जैसे मैंने एक पता ना, एक टेबल बना लो, एक बड़ा सा पेज लिख लो, सारी चीजें लिखी जाओ, कीस्टोन, पायोनियर, क्लाइमैक्स स्पीसीज, फ्लैगशिप स्पीसीज, और जितने भी आज हम पढ़ेंगे सारी सारी इकट्ठी होनी चाहिए, एक करेक्टरिस्टिक्स आपको आना चाहिए सब में डिफ्रेंशिएट करने का। ओके, व्हाट इज फ्लैगशिप स्पीसीज? फ्लैगशिप स्पीसीज इज अ स्पीसीज सिलेक्टेड टू एक्ट एज एन एम्बेसडर, ठीक है, आइकन और सिंबल फॉर ए डिफाइंड हैबिटेट इशू, कैंपेन और एनवायरमेंटल कॉज। आपने वो देखा डब्ल्यू डब्ल्यू वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, नहीं वर्ल्ड लाइफ फोरम, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम WWF, वो WWE वाला नहीं, WWF भी होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है, क्या कहते हैं, है ना, एक ये ऑर्गेनाइजेशन है WWF, उसका जो अगर आप नेट पे भी अभी जाओगे ना, लोगो देखना, लोगो क्या उसमें पैंडा लिखा हुआ है, जायंट पैंडा, उसकी फोटो बनाई हुई है, याद है? तो ये वो फ्लैगशिप स्पीसीज, कोई ऐसे नाम नहीं है, कोई ऐसा इकोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये हमने नाम दिया है कि भैया हम फोकस करना चाहते हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, तो हम इनको फ्लैगशिप, मतलब यहाँ पे कोई, मतलब जहाँ तो हम किसी इंस्टीट्यूट के नाम पे बना देंगे, इनका नाम बना देंगे, ठीक है ना, जैसे वर्ल्ड लाइफ फंड है, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF है ना, वर्ल्ड वाइड फंड नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ना, तो वर्ल्ड वाइड फंड है जो हमारे पास, उसका जो लोगो है उस पे उसकी फोटो लगा दी जाए, ठीक है ना, ओके क्यों? क्योंकि इनकी कंजर्वेशन, क्योंकि इनकी तादाद बहुत कम हो चुकी है, ये विलुप्त होने की स्थिति पे है, ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, हमें इनकी हम इनकी जागरूकता, लोगों में जागरूकता लाने चाहते हैं इन स्पीसीज के बारे में, तो हम अपना लोगो बना देंगे। याद है हमारे हर एक स्टेट का, इंडिया के अपना एक स्टेट एनिमल होता है, ठीक है, हर एक स्टेट का अपना फ्लैगशिप स्पीसीज होती है। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है ना, तो आप अगर आप मणिपुर में जाओगे, केबोलाम जाओ, नेशनल पार्क में जाओगे, वहां पे है हंगुल, ठीक है ना, हंगुल, कश्मीर में जाओगे तो कश्मीरी स्टैग, इंडिया पंजाब में जाओगे तो कौन सी एक हमारे यहाँ पे नेशनल है, सॉरी स्टेट एनिमल है हमारा, तो ये आपको पता होना चाहिए, वी कॉल दैट एज फ्लैगशिप स्पीसीज। ओके, जो यहाँ के पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए करेक्ट वो सूटेबल है। ओके, ब्लैक बक, यस ब्लैक बक इट्स इन राजस्थान है ना, ब्लैक बक। चले आगे, तो फ्लैग फोर स्पीसीज कौन सी है? एक एम्बेसडर स्पीसीज होती है, ये इकोलॉजिकल टर्म नहीं है, ये जस्ट हमने अपनी तरफ से बनाया, ये एक आइकन और सिंबल होता है ताकि उनकी कोई भी एनवायरमेंटल कॉज के लिए वो हम रख सके, उनको आगे रख सके। By focusing on and achieving conservation of that species, the status of many other species which share its habitat or are vulnerable to the same threats may be improved. Okay? तो ये बस आपके होता है, क्या कहते हैं, जैसे हमने बंगाल टाइगर, सुंदरी फॉरेस्ट के आपने बारे में पता होगा, बंगाल टाइगर, ठीक है ना, बंगाल टाइगर के बारे में पढ़ा था ना, यूजली ये, अब ये मत सोचो कि ये सारे के सारे कीस्टोन स्पीसीज आर फ्लैग स्पीसीज, ठीक है ना, दे कैन और दे कैन नॉट बी कीस्टोन स्पीसीज, बट मोस्टली क्या होते हैं, दे आर, जैसे कि ये वाला हो गया अफ्रीकन एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, जायंट पेंडा हो गया, ठीक है, माउंटेन गरीला हो गया, ठीक है ना, दे आर नॉट नेसेसरली कीस्टोन स्पीसीज बट दे आर फ्लैगशिप स्पीसीज। व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लैगशिप स्पीसीज? क्योंकि
उनकी कंजर्वेशन, क्योंकि उनकी तादाद इतनी कम हो चुकी है, अगर हम उनको ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपका ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, आपका ध्यान नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, तो वो विलुप्त हो सकती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो WWF वाले हैं, WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड वाले हैं, तो वो यहाँ पे अपनी जो टी शर्ट देते हैं लोगों को, उसके ऊपर जायंट पैंडा की फोटो बनी होती है। उसी तरह आप स्टेट एनिमल्स में ये आप रखते हो, ताकि बंगाल टाइगर का जो है वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा उनकी मान्यता है, ठीक है ना। तो बंगाल टाइगर को इनको इम्पोर्टेंस देने के लिए वहां का स्टेट एनिमल बना दिया जाता है, ठीक है ना। उसी तरह अफ्रीकन एलिफेंट है, जो आपको पता है ये कीस्टोन स्पीसीज है, बट ये वहां के इकोसिस्टम स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और अगर ये खत्म हो जाते हैं तो ये काफी चीजें इसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमें इनकी कंजर्वेशन करनी है, इसके लिए हमें इसको क्या नाम देंगे, फ्लैगशिप स्पीसीज। ओके, डन डन डन, चले आगे। चलिए, नेक्स्ट इज अ प्रायोरिटी स्पीसीज। व्हाट इज प्रायोरिटी स्पीसीज? अगेन ये इकोलॉजिकल टर्म नहीं है, फ्लैगशिप एंड प्रायोरिटी स्पीसीज दे आर नॉट इकोलॉजिकल टर्म्स। ओके, प्रायोरिटी स्पीसीज क्या है? इट्स अ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ टर्म जो WWF ने दिया, सोली फॉर द पर्पस ऑफ प्लानिंग एंड सिंपल कम्युनिकेशन, ठीक है ना। प्लानिंग करने के लिए, उनकी कंजर्वेशन करने के लिए प्रायोरिटी स्पीसीज की टर्म दी गई है। दे मे बी आइदर बी फ्लैगशिप और कीस्टोन स्पीसीज एंड इज चूजन टू रिप्रेजेंट एन इको रीजन और ए रीजन, ठीक है। ओके, डन डन डन। अ प्रायोरिटी स्पीसीज आर रिफ्लेक्टिव ऑफ की थ्रेट दैट अक्रॉस द इको रीजन। अच्छा, जैसे जायंट पैंडा, वो एक प्रायोरिटी स्पीसीज भी हो सकती है, वो एक फ्लैगशिप स्पीसीज भी हो सकती है, ठीक है ना। दोनों एक ही तरह के हैं। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग फीचर्स क्या है, स्पीसीज फॉर्मिंग एक की एलिमेंट ऑफ द फूड चेन, वो फूड चेन का की एलिमेंट बनाना चाहिए। स्पीसीज विच हेल्प द स्टेबिलिटी एंड रीजनरेशन ऑफ द हैबिटेट्स, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट है। स्पीसीज डेमोन्स्ट्रेटिंग ब्रॉडर कंजर्वेशन नीड, जिनको कंजर्वेशन की ज्यादा जरूरत है, तो वो फ्लैग स्पीसीज जिनकी अभी तादाद बहुत कम हो चुकी है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है फंडिंग के लिए, उनकी रीजन स्पेसिफिक फंडिंग के लिए WWF द्वारा। वॉट इज WWF? बेसिकली ये एक कंजर्वेशन का फंड है, ठीक है। आप एनिमल कंजर्वेशन फंड है आपके आगे, सपोज हमारे पास ये हंगूल है या ये बारासिंगा है जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है, सपोज दैट इज ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज। सपोज आपकी गवर्नमेंट चाहती है कि हमें फंडिंग मिले बाहर से, तो बाहर से फंडिंग के लिए आप कहाँ से जाओगे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के पास जाओगे। फंड वाले क्या बोलेंगे, आप अपने इसको क्लासीफाई करो। क्लासीफाई कैसे करो, फ्लैगशिप स्पीसीज बनाओ इसको पहले, ठीक है। अगर फिर भी इसकी तादाद इंप्रूवमेंट नहीं हुई, इसकी जो पॉपुलेशन है वो इंप्रूव नहीं कर रही है, तो व्हाट वी कैन डू, इसको वर्ल्ड लाइफ फंड बोले कि हम इसको प्रायोरिटी स्पीसीज बना देते हैं। क्यों? प्रायोरिटी स्पीसीज के लिए आपको फंडिंग मिलेगी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गेट द फंडिंग फ्रॉम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड टू कंजर्व दैट स्पीसीज, ठीक है, जो कि वहां के इकोसिस्टम के लिए, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अभी आपने कीस्टोन स्पीसीज पढ़ी, ये इकोलॉजिकल टर्म है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रायोरिटी एंड फ्लैगशिप स्पीसीज, ये WWF द्वारा कॉइन की कई टर्म्स हैं, ये उनकी कैटेगरी को बताती है वो फंडिंग कैसे करेंगे, ठीक है। डन, प्रायोरिटी स्पीसीज एंड कीस्टोन स्पीसीज एंड दिस फ्लैगशिप स्पीसीज। फ्लैग स्पीसीज स्पीसीज के अंदर ही की ही एक टर्म है प्रायोरिटी स्पीसीज, प्रायोरिटी को अब फंडिंग भी मिलेगी, ठीक है। ओके, गुड, बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है मुस्कान। ये सिर्फ WWF द्वारा क्या कहते हैं यूज की गई टर्म है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज इज एन इंडिकेटर स्पीसीज, ठीक है। इंडिकेटर स्पीसीज कौन सी होती है, ठीक है। स्पीसीज ए प्लांट और एनिमल दैट इज वेरी सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस इन इट्स इकोसिस्टम, ठीक है। ये वो स्पीसीज होती हैं जो कि प्लांट एंड एनिमल दोनों, दैट कैन बी वेरी सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस। इंडिकेटर स्पीसीज हम यूजली वहां पे यूज करते हैं जहां पे आपको पॉल्यूशन चेक करना हो, एरिया का, एरिया में पॉल्यूशन तो नहीं फैल रहा, नेचुरल हैबिटेट को थ्रेटन तो नहीं कर रहा। आप देखो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, दवाई लेने के लिए, है ना, कोई बीमारी होगी आपको,
डॉक्टर क्या सीधा नब्ज दे के आपको दवाई दे देता है? नहीं ना, क्या करता है वो, आपको टेस्ट लिख के देता है, वो आपको बोलता है कि ये एक्सरे कराओ, ये फलाने टमकाने टेस्ट कराओ, जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट के बेसिस पे मैं अपना डायग्नोसिस दूंगा, है ना, आपको मेडिसिन दूंगा, है ना। तो वो वही चीज, उसी को इसी तरह से समझो, इंडिकेटर स्पीसीज भी, आप जब इंडिकेटर स्पीसीज में कोई चेंज आती है तो आपको पता चलता है वहां पे पॉल्यूशन है भैया, ठीक है। इसीलिए आपको समझना जरूरी है, बिकॉज दे आर गिव अर्ली वार्निंग, अर्ली वार्निंग साइंस देते हैं आपको, ठीक है, कि भैया जी यहाँ पे पोल्यूशन फैल रहा है, और पोल्यूशन भी कौन सा फैल रहा है ये भी बताते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह के टेस्ट है जो बीमारी को आपको बताते हैं, अगर आप उसको पहले पकड़ लोगे तो आप उसको पोल्यूशन से बचा सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर स्पीसीज दे गेट अफेक्टेड ऑलमोस्ट इमीडिएटली बाय द डैमेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज सच एज वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज टू द इकोसिस्टम, ठीक है। अब आप कोरल रीफ्स को देखो, कोरल रीफ्स को, हमें कोरल रीफ्स आपको पता है ना कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको यूजली जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे रीफ्स, वहां पे बहुत पाए जाते हैं। अब ये जो रीफ्स होते हैं ना, दे आर वेरी टेम्परेचर सेंसिटिव। कहाँ पे पाए जाते हैं? पानी के अंदर पाए जाते हैं, ओशन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। ओशन जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, कोस्टल एरियाज, वहां पे आपको और ये पाए जाएंगे कोस्टल एरियाज में, ठीक है ना। कोस्टल एरिया कौन से? जो तटीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, वहां पे पाए जाएंगे। एंड दे आर वेरी मच टेम्परेचर सेंसिटिव। इनका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, सी का टेम्परेचर 26 से आई थिंक 28 या 29 डिग्री तक होता है। अगर एक डिग्री भी ऊपर नीचे जाता है ना टेम्परेचर, तो ये मरना शुरू हो जाते हैं। तो आपको यहां से क्या पता चलता है भैया? क्लाइमेट चेंज, कि सी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ओशन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण कौन मर रहा है? कोरल स्पीसीज है, कोरल रीफ्स है, वो मरना शुरू हो जाएंगे। उनका जो कलर होएगा ना, वो कलर चल जाएगा। डाइक्रीन की कभी देखा आपने? कभी देखा हो कि आपने रंग डाला बड़े ब्राइट रंग का, और एक बार आपने डाला आपने, है ना, वॉशिंग मशीन में वो सारी रंग देता है, लाल लाल रंग हो गया, है ना। अगले बार जब डालोगे तो उतनी ज्यादा डार्कनेस नहीं दिखेगी आपको, है ना, उतनी ज्यादा आपके पास कलर वो स्टार्क नहीं दिखेगा आपको, वैसा ही है। तो कलर फेड हो जाता है, जैसे वैसे कोरल रीफ्स का कलर भी फेड हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो गॉट इट, ठीक है। सबसे ज्यादा बढ़िया कोरल रीफ्स इज आल्सो एन इंडिकेटर स्पीसीज। लाइकन्स जो हमने पढ़े थे, पायोनियर स्पीसीज, दे आर आल्सो वेरी गुड इंडिकेटर स्पीसीज। ये क्या करते हैं, जैसे ही ये, क्योंकि एयर के ऊपर ही डिपेंड करते हैं सबसे ज्यादा, तो एयर में अगर पोल्यूशन होगा, खास करके सल्फर डाइऑक्साइड होगी आपकी एयर में, ठीक है ना, पोल्यूशन ज्यादा है, तो ये काला होना शुरू हो जाएगा। लाइकन्स जो ग्रीन होते हैं वो काले हो जाएंगे, तो आपको क्या पता चलता है? उस एयर में सल्फर डाइऑक्साइड है, तो वहां पे अब आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो सल्फर डाइऑक्साइड अगर आप इनहेल करते रहोगे तो आपको कैंसर हो सकता है, डन। उसी तरह फ्रॉग्स, तो टॉड्स जो होते हैं आपने देखा होगा, है ना, उनकी स्किन बड़ी चिपचिपी सी होती है, है ना। तो एक फ्रॉग है जो पूरा ग्रीन कलर का होता है, प्योर ग्रीन कलर का होता है, आपने देखा 10 दिन बाद वो काला हो गया, ठीक है ना, 10 दिन बाद वाला काला हो गया, इसका मतलब वो जिस पानी में रहता है वो पानी ही गंदा है, उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल है जो उसने सोख लिया और वो मर गया, समझ रहे हो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसी तरह मच्छियां जो होती हैं, सालमन जो आप नॉर्मली खाते हो, हम तो नहीं खाते, लेकिन ये जो अपर टेम्परेट रीजन वाले या कैनेडा वाले हैं, ये बहुत खाते हैं सालमन को, तो ये वेटलैंड इकोसिस्टम में बहुत पाई जाती है। सपोज आपका वेटलैंड खराब हो गया, उसमें आपने केमिकल डाल दिया, उसमें आपने एग्रीकल्चर वेस्ट डाल दिया, तो वो क्या होगा, बायोक्यूमुलेशन होएगी, तो सालमन भी अपना कलर चेंज कर लेती है, ठीक है। तो व्हाट आर दे आर इंडिकेटर स्पीसीज, क्या दर्शाती है वो, पॉल्यूशन को, कौन सा पॉल्यूशन, इट कैन बी वाटर पॉल्यूशन, इट कैन बी सॉयल पॉल्यूशन, इट कैन बी एयर पॉल्यूशन। तो ये एक तरह के टेस्ट है जो आपकी बीमारी को दर्शाएंगे, ओके, डन। तो अगर मैं इनको इंडिकेटर स्पीसीज की जगह पे एक नाम दे दूं बायो इंडिकेटर, तो एक ही समझ है ना, बायो मतलब लिविंग, जो लिविंग प्लांट एनिमल्स हैं वो इंडिकेट करते हैं पोल्यूशन, तो वी विल कॉल दैट एज बायो इंडिकेटर। कोई बड़ी बात तो नहीं बोली ना मैंने, इट्स गुड, ओके, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस टेबल, try to remember this table, not always, but microbial, agar microorganism hai to microbial indicators, plant hai to plant indicators, animal hai to element indicators, theek hai, an increase or decrease in animal population may indicate damage to an ecosystem or pollution,
ठीक है ओके। ये आपको समझ लगी, टॉक्सिन भी हो सकता है वहां पे, तो ये हो सकता है। प्लांट इंडिकेटर्स भी आपको मैंने बताया है, जैसे कि लाइकन्स हो के, ठीक है ना ओके। तो दे डिक्रीज हो जाती है उनकी पॉपुलेशन, वो कलर चेंज कर लेते हैं। एक बटरफ्लाई थी, बटरफ्लाई का नाम है भूल गया। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है ना 1700-1800, वो कोल बेस्ड पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है ना। तो बहुत सारे हर जगह पे उन्होंने फैक्ट्रियां लगाई हुई थी कोयले की, है ना, कोयले की फैक्ट्री लगाई हुई थी। अब वो जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, बटरफ्लाई की स्पीसीज थी, वो ब्राइट रेड कलर की, ब्राइट कलर की होती थी, ब्राइट कलर की, है ना। अब क्योंकि कोयला इतना ज्यादा आ गया, आपको पता कोयला काले कलर का धुआं फैलाता है, तो उसका कलर चेंज हो गया पूरे का पूरा, वो ब्लैक कलर में अब पाई जाने लग पड़ी, ठीक है ना। तो दिस इंडिकेट्स योर काइंड ऑफ व्हाट, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को ये दर्शाता है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है, और सोयल पोल्यूशन को भी ये बता दर्शाता है। डन ओके, क्या आप पढ़ लेना, ठीक है। ये देखो यूजुअली ग्रीन कलर का होता है, बट ये किस कलर का हो गया, ग्रेइश ब्लैकिश कलर का हो गया, ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है। इसी तरह आपने जो घर में रोज उगाते हो ना, रोज पे एक फंगस होता है, ठीक है, तो वो फंगस ना आपके पत्तों को ऐसा ब्लैक करता है। इफ देयर इज नो ब्लैक स्पॉट फंगस ऑन ए रोज, दैट इंडिकेट सल्फर डाइऑक्साइड इज इन द एयर, क्योंकि ये फंगस को उगने नहीं देता सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपको ये बर्शाता है, ये सारी चीजें आपको ये बर्शाती हैं कि आपकी एयर क्वालिटी इज नॉट गुड। ओके चलें आगे, आज का हम एक और टॉपिक करेंगे, एंडेमिक स्पीसीज, देन वी विल डू टुमारो। ओके, एंडेमिक स्पीसीज में हमारे पास क्या आता है, एंडेमिज्म। अब देखो तीन चीजें हैं, पढ़ लेना अभी से। एक होता है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, और अपने कॉपी पे भी लिख लेना, ये सब में आपने आज डिफरेंशिएट करना है, आज का काम आपका यही है, एंडेमिक स्पीसीज वर्सेस एग्जॉटिक स्पीसीज, है ना, वर्सेस योर नेटिव स्पीसीज। ओके, नेटिव स्पीसीज देखो, ये तीनों दिख रहे हैं आपको आपकी स्क्रीन पे, एंडेमिक स्पीसीज, एग्जॉटिक स्पीसीज, नेटिव स्पीसीज, है ना। ये तीन स्पीसीज होती हैं। एंडेमिक में क्या होता है, लेट मी गिव यू द डेफिनेशन ऑफ एंडेमिक, इज एन इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीसीज बीइंग यूनिक टू अ डिफाइंड जियोग्राफिकल लोकेशन सच एज एन आईलैंड, नेशन, कंट्री और अदर डिफाइंड जोन्स और हैबिटेट टाइप्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट लिव दैट आर इंडिजिनस नेटिव टू अ प्लांट टू अ प्लेस आर नॉट एंडेमिक इफ दे आर फाउंडिंग एवरीवेयर, फाउंड एल्सवेयर आल्सो, ठीक है ना। देखो सबसे पहले होता है नेटिव स्पीसीज, ठीक है। नेटिव स्पीसीज होती है जो, अगर हम बात करें कि भाई पंजाब में भी पाई जाती है, अगर आप पते बात करें तो आपको थोड़ा सा आगे जाओगे हरियाणा में भी पाई जाएगी, थोड़ा सा आगे आ जाओगे और जो उसी बायोम में पड़ता है वहां पे पाई जाएगी, ठीक है। प्लस ये पाकिस्तान में भी पाई जाएगी, प्लस ये थोड़ा सा आगे चले जाओगे यूरोप में भी पाई जाएगी, ठीक है ना। दीज आर नॉट, दीज आर नेटिव स्पीसीज, ठीक है ना। नेटिव स्पीसीज, सबसे पहले हम नेटिव स्पीसीज की बात करते हैं। जो नेटिव स्पीसीज होती हैं वो इंडिजिनस स्पीसीज होती हैं जो एक पर्टिकुलर जगह में पाई जाती हैं। अब अगर आप देखो, सपोज अगर मैं बात करता हूं हाँ, वीट की, वीट आप जो खाते हो, वीट की प्रजाति तो आपके मैक्सिको में भी पाई जाती थी, इंडिया में भी पाई जाती थी, पर इतनी जोर अच्छे से नहीं पाई जाती थी, वरना तो हम बोले कि नेटिव स्पीसीज क्या थी, वीट, जो पर्टिकुलर ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाती है, नेटिव स्पीसीज, नेटिव स्पीसीज, ठीक है ना, पर्टिकुलर एरिया। इट इट कैन नॉट बी कि सिर्फ मैक्सिको में ही पाई जाती है, ये इंडिया में भी पाई जाती थी, पर बहुत इंफीरियर क्वालिटी की होती थी, ठीक है ना, इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं थी। बाद में हमने हाइब्रिडाइजेशन की इन दोनों की। तो सबसे पहले वीट हो गया, नेटिव हो गया, नेटिव स्पीसीज, समझ लग गया आपको। नेटिव स्पीसीज क्या होता है, जो कि जरूरी नहीं कि सिर्फ एक कंट्री में या एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में भी पाई जाती है, हो सकता है कि वो इंडिया में भी पाई जाए, वो मैक्सिको में भी पाई जाए, वो आपके ब्राजील में भी पाई जाए, है ना, इन एरियाज में पाई जाए, पर ये ट्रॉपिकल एरिया में ही पाई जाएगी,
ये नहीं कि आपको टुंड्रा रीजन में मिल रही है या आपको एंटार्क्टिक रीजन में मिल रही है, नेटिव स्पीसीज नेटिव जगह पे पाई जाती है। चले आगे। ओके, अब बात है, नेक्स्ट स्टेप आता है इसका, है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज है कि जो सिर्फ इंडिया में ही पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाएगी। इंडिया में भी केरला में ही पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंडेमिक स्पीसीज। यू गॉट दिस पॉइंट? ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गुड। तो एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? वो आपके पास हर जगह पे नहीं पाई जाती है। एंडेमिक स्पीसीज मतलब वो वहीं पे पाई जाएगी और कहीं पे नहीं पाई जाएगी। ऑर्गेनिजम्स, लेट मी नाउ क्लियर दिस पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एंडेमिक स्पीसीज आर नॉट नेसेसरली नेटिव स्पीसीज। ओके, लोग कंफ्यूज करते हैं, क्वेश्चन में आपको डालूंगा मैं, जिसमें आप कंफ्यूज भी करूंगा मैं। ऑर्गेनिज्म दैट आर इंडिजिनस नेटिव टू अ स्पेस प्लेस आर नॉट एंडेमिक टू इट इफ दे आर फाउंड एल्सवेयर आल्सो। मतलब अगर हमें एंडेमिक स्पीसीज है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ पे देवदार के दरख्त होते हैं। यस, नॉट पाइन ट्रीज, पाइन ट्रीज इज ए नेटिव ऑफ यूरोपियन, बट वो इंडिया में भी लाए गए हैं। ठीक है ना, समझो इस बात को। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, आई थिंक, जब मैंने आपको बताया था कि जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ था कि यहाँ पे देवदार के दरख्त होते थे हमारे। अगर आप कुल्लू मनाली की तरफ चल जाओ, वहां पे देवदार के दरख्त होते थे, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि देवदार 40-50 साल में उगता है, हमें जल्दी चाहिए तो हम पाइन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है ना, तो वो पाइन लेके आए थे। वो पाइन क्या थी? एक तरह की एग्जॉटिक स्पीसीज थी, हम बात करेंगे, जो बाहर से लाके आपने यहाँ पे उगाई। जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए था, जल्दी आपको लकड़ी चाहिए थी, इसलिए उगा। गॉट इट? नेटिव स्पीसीज, नेटिव जो वहां पे पाए जा सकते हैं, वो और कहीं भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि वीट सिर्फ मैक्सिको में पाई गई है, ना ब्राजील में पाएगी, ना कहीं, हर जगह पे वीट पाई गई है। इवन इंडिया में भी वीट थी, पाकिस्तान में भी वीट थी, इवन योर मैक्सिको में भी वीट थी, ब्राजील में भी वीट थी। ठीक ना, तो दे आर वो उसी ट्रॉपिकल एरिया में, उसी सिमिलर बायोम्स में पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन एंडेमिक कौन से हो जाएंगे? जो सिर्फ वहीं पे पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे। यानी कि अगर वो मैक्सिको में है एंडेमिक स्पीसीज, तो सिर्फ मैक्सिको में ही पाई जाएगी और कहीं नहीं पाई जाएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये समय लगा आपको? बताइए एंडेमिक स्पीसीज का। अब मेरी बात सुनो, आपके पास हॉटस्पॉट होते हैं, हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है ना, हॉटस्पॉट या बायोजियोग्राफिकल हॉटस्पॉट्स, आपने नाम सुना कभी? ये बायोजियोग्राफिकल हॉटस्पॉट्स है ना, उसकी डेफिनेशन खोल के देखना। वहां पे वो बात करेंगे एंडेमिक स्पीसीज की, कि ये वहां पे है जहां पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, जहां पे सिर्फ जो वहीं पे पाई जाती है और कहीं नहीं पाए जाते। इंडिया में आप मेरे को बताओ, वेयर आर हॉटस्पॉट्स फाउंड? दिस इज फाउंड इन योर वेस्टर्न घाट्स। यस, समझ लगी? वेस्टर्न घाट में बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही पाई जाती हैं, और कोई पूरे इंडिया में और कोई पूरे वर्ल्ड में और कहीं नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये डब्ल्यू, ये हमारा यूएनओ का एक तरह का क्लासिफिकेशन है, हॉटस्पॉट कर दो ताकि इनकी कंजर्वेशन करो आप। हॉटस्पॉट्स की, बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स की कंजर्वेशन करना जरूरी है, क्योंकि वहां पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होती है। ये समझ लगी बात? बताइए मेरे को। गुड, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सारी चीजें करना। ओके विद यू। ओके, तो एंडेमिक स्पीसीज की समय लगी, नेटिव स्पीसीज की समय लगी। अब ये एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती है? लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेरिफाई दिस विद यू। ये समय लग गया, इसको पढ़ लेना। एंडेमिक टाइप और स्पीसीज आर स्पेशली लाइकली टू डेवलप ऑन ए जियोग्राफिकली एंड बायोलॉजिकल आइसोलेटेड एरिया। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन में आप इन चीजों को ध्यान में रखो, हाईलाइट करो, ऐसे करके स्टार डालो। ठीक है, ये आपने जैसे वेस्टर्न घाट्स की एग्जांपल दी, तो एक आइसोलेटेड एरिया, एक पैची एरिया है ना,
वहां पे ही ये आइसोलेटेड एरिया है जहां पे ह्यूमन इंटरप्रिटेशन नहीं हुई है, जब ह्यूमन एनक्रोचमेंट नहीं हुई, जैसा कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट है हमारे पास, ठीक है ना। तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट हो गया, जियोग्राफिकल एंड बायोलॉजिकली आइसोलेटेड एरिया हो गया, इतने घने फॉरेस्ट होते हैं वो। गालापागोस आइलैंड्स हो गया, ठीक है ना, हवाई का या जो आइलैंड्स हो गया, हमारे अंडेमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो गए, हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स हो गए, तो दे कैन बी इंक्लूडेड अंदर एंडेमिक स्पीसीज। वहां पे जो सिर्फ पाई जाती हैं और कहीं पे नहीं पाई जाती हैं, दैट इज नोन एज एंडेमिज्म। ओके, एंडेमिक स्पीसीज दे आर नॉट नेसेसरी नेटिव स्पीसीज। ओके, तो नेटिव स्पीसीज और एंडेमिक स्पीसीज में अंतर मैंने आपको बता दिया। चले आगे नाउ एग्जाम्पल, और क्यों जे यूपीएससी ने क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो, एग्जाम्पल्स ऑफ एंडेमिज्म इन इंडिया। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन किस तरह से पूछा, उन्होंने पूछा बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा इसको बोलते हैं इंडियन स्वाम्प डियर। ओके, क्या बोलते हैं इसको, इंडियन स्वाम्प डियर, बारहसिंगा, दोनों उन्होंने लिखे थे ऑप्शन में। इंडियन बारहसिंगा और स्वाम्प डियर इज एंडेमिक टू विच पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पे पाया जाता है, कन्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है, सिर्फ ओनली फाउंड इन एंड, ठीक है, ये समझ रहे हो मेरी बात, एंडेमिक स्पीसीज क्यों जरूरी है आपको याद करना। और उन्होंने ये पूछा था, सोच क्या पूछ रहा हूँ, उन्होंने पूछा था वहां पे क्लाइमेट कैसा होगा, या फॉरेस्ट किस तरह के फॉरेस्ट में पाया जाएगा ये। अब देखो समझ रहे हो, एक ऑप्शन में थी कि ये मध्य प्रदेश में फाउंड है, अब मध्य प्रदेश में किस तरह का वातावरण होता है, किस तरह का क्लाइमेट होता है, किस तरह का आपका वहां का फॉरेस्ट, किस कौन सा फॉरेस्ट वहां पे पाया जाता है, क्या वहां पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, नो। ओके, क्या वहां पे मेरे को बताओ ग्रासलैंड्स होंगे, यस, नाम पे ही देखो बारहसिंगा, इंडियन स्वाम्प डियर, स्वाम्प कौन से एरियाज होते हैं, जो ग्रासी एरियाज होते हैं जहां पे दलदल होती है, वो वाले एरिया स्वाम्प डियर बोलते हैं इसको। तो ये ग्रास लैंड पे जा रहा है, जितने भी डियर्स होते हैं आप ध्यान रखना, मोस्टली दे आर ग्रास लैंड डिपेंडेंट, तराई रीजन्स में होंगे ज्यादा, स्वाम्पी एरियाज में होंगे, मार्शी एरियाज में होंगे, ये सारी चीजें याद करना। बारहसिंगा सिर्फ यहाँ पे पाया जाता है। इसी तरह आप पेपर उठा के देखना पिछले 4-5 साल के, इसका नाम भी बड़ा सुना होगा आपने, लॉन्ग टेल्ड मकाओ एंड नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी टाहर, ठीक है ना, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स। तो आप बोलो सर कितने स्पीसीज हैं, सबको याद करना, नहीं भैया सबको याद नहीं करना है, पर जो एंडेमिक हैं उनको याद करना, इनका आईयूसीएन स्टेटस याद करना, इनका साइट स्टेटस याद करना, इनका ट्रैफिक स्टेटस याद करना, इनका डब्ल्यूपीए स्टेटस याद करना है। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एज वेल एज टुमारो, 2 दिन का होमवर्क है, क्योंकि लंबा है काफी, बहुत ज्यादा काम है आपके लिए, तो आपने नेट पे सर्च मारना है, नेट का दिमाग खाना है, मेरा मत खाना, बाद में करना खाना, पर पहले नेट पे सर्च करो, ठीक है। यू नीड टू लिखना पहले एंडेमिक स्पीसीज के बारे में, यू शुड नो, ठीक है, उसके बाद साइट स्टेटस क्या है इसका, ट्रैफिक स्टेटस क्या है इसका, ये डिफरेंट कन्वेंशनल एंड बॉडीज हैं, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट स्टेटस क्या है उसका, यूसीएन स्टेटस क्या है उसका, ये 4 चीजें आपने उसके बारे में लिखनी है, जितनी आज मैंने बताई आप, ठीक है। ओके, व्हाट आर साइट, ये क्या है हम पढ़ेंगे, ठीक है, साइट्स क्या है, ये सारी बॉडीज होती हैं, ये कन्वेंशंस होती हैं, ये हमने पढ़नी है अभी, ठीक है, ये पढ़नी है अभी हमने, बट ये देखा आपने 2020 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था डब्ल्यूपीए पे, उन्होंने पूछा था स्पीसीज शेड्यूल्ड 1 या 2 में कौन से एनिमल्स होंगे, या 2 में क्या आता है या 1 में नहीं आता है, पढ़ो बेटा कहां से आते हैं ये क्वेश्चन, यहीं से आते हैं। ओके, डन डन डन। इसी तरह ये देखो, रेंट सैंडर्स आर एंडेमिक टू द रीजंस ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ओके, पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू जो वो वाला रीजन है, वहां पे ये ज्यादा लोग पाए जाते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अबाउट एंडेमिज्म, एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है ना, क्या जरूरत है हमें, ठीक है ना। एंडेमिक स्पीसीज हैव अ जनरली रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रेट्स टू एंडेमिक स्पीसीज कैरी मोर रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन देन ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड स्पीसीज, लाइक कुड यू इंक्लूड बंगाल टाइगर इन द लिस्ट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, या टाइगर, या इन दैट सेंस अगर आप बात करो तो लायंस, दे आर कीस्टोन स्पीसीज बट दे आर नॉट एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब होता है, क्योंकि एंडेमिक स्पीसीज फिर वहीं पे पाई जाएंगी और कहीं नहीं पाई जाएंगी, ठीक
ठीक है। तो अगर आप बात करते हो एंडेमिक स्पीसीज की, अगर ये विलुप्त हो जाते तो इनके, अब ये कोई रोल तो प्ले करते होंगे ना आपका इकोसिस्टम में, है ना। तो अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाती हैं किसी कारणवश, तो उसके ऊपर जिसके, अगर ये फूड वेब में कोई रोल प्ले कर रहे हैं, फूड चेन में कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तो वो सारा का सारा विलुप्त हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बस सुन, ओके ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी शुड कंजर्व एंडेमिक स्पीसीज। आप एंडेमिक स्पीसीज को आपने कंजर्व कैसे करना है? हॉटस्पॉट का नाम देखें, जियोग्राफिकल हॉटस्पॉट्स। देखो हॉटस्पॉट्स भी पढ़ेंगे आगे जाके, मैंने कोल्ड स्पॉट्स के बारे में बताऊंगा आपके बारे में, पर अभी के लिए हॉटस्पॉट्स, ये वो जियोग्राफिकल रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा एंडेमिक स्पीसीज पाई जाती है। इनको कंजर्व करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो जो स्पीसीज एंडेमिक स्पीसीज के ऊपर, क्योंकि अगर ये विलुप्त हो जाती है एंडेमिक स्पीसीज, तो सिर्फ ये विलुप्त नहीं होगी, इनके ऊपर जो 10, 20, 30 जो एंडेमिक, जो वहां पे और एनिमल्स हैं, वो भी विलुप्त हो सकते हैं। तो सिर्फ एक विलुप्त होने से कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तो इसलिए हमें इनकी कंजर्वेशन की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो। दूसरी बात ये भी है कि अब जो एंडेमिक स्पीसीज है, दे आर यूनिकली सूटेड टू दैट इकोलॉजिकल नीश एंड होम रेंज, है ना। यू उस पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए अपना एंडेमिक स्पीसीज जो है वो अडेप्टेड होते हैं। जो नई लेके आओगे तो वो हो सकता है कि वो डिपेंडेंट ना हो उसके ऊपर, ठीक है ना। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे कि आपके पास आप वाटर हायसिंथ है, वाटर लिली का नाम सुना होगा आपने, है ना। तो दैट इज ए इन्वेसिव एलियन स्पीसीज। वो इंडिया में नहीं पाई जाती थी, वो मेक्सिको में कहीं पे पाई जाती थी, वहां से हम लेके आए हैं एक्सोटिक स्पीसीज। जब इंडिया में लेके आए तो वहां पे जो इंडिया के पॉन्ड्स में, लेक्स में हमने डाली, डल लेक में भी डाली जैसे हमने, तो वहां के सारे जो एंडेमिक स्पीसीज थी उसको मार दिया इसने, ठीक है ना। कैसे हुआ ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज होती है, ये यू शुड नो, दिस इज व्हाट इज द थ्रेट टू एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। डन डन डन। और जो एंडेमिक स्पीसीज थी जो पर्टिकुलरली सूटेबल थी उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, अब देखो चाहे ये ऑटोट्रॉप ही, एक तरह का वाटर हायसेंथ, वाटर लिली इज ए ऑटोट्रॉप, ठीक है, सीवीड भी बोलते हैं उसको, ऑटोट्रॉप होता है। पर अब जो उसके ऊपर खाने आते थे, मच्छलियां खानी आती थी, उनको ये खाना अच्छा नहीं लगता, वो इसको नहीं खाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, जो इसके ऊपर पहले कोई जगह होती थी, कोई पहले प्लांट होता था वो उसको खाती थी। अब प्लांट डिस्प्लेस हो चुका है, जो एंडेमिक प्लांट था वो डिस्प्लेस हो चुका है, ये गया। अब मच्छियां नहीं आएंगी तो मच्छियां मर जाएंगी, तो मच्छियों के ऊपर जो आपके बर्ड्स डिपेंडेंट हैं वो खत्म हो जाएंगे, बर्ड्स यहाँ पे नहीं आएंगे, तो वहां का इकोलॉजिकल डिटीरियोरेशन हो जाएगी ना। समझ रहे मेरी बात? तो एंडेमिक स्पीसीज को इसलिए आपको कंजर्व करना इतना ज्यादा जरूरी है। डन डन डन। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट इकोलॉजिकल एंड एक्सोटिक एंड लाइव एनिमल स्पीसीज, कल की क्लास में। देन वी विल डिस्कस इनवेसिव एलियन स्पीसीज, ठीक है, एंड देन वी विल डिस्कस द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ये सब कुछ करके वी विल डिस्कस विद टेरेस्ट्रियल बायोम्स नेक्स्ट क्लास में। वी विल स्टार्ट दैट एंड वी विल फिनिश टुंड्रा। कल हमने ज्यादा, थोड़ा लंबी क्लास भी हो सकती है, तो वो आप उसके हिसाब से तैयार होकर आना, ठीक है। ओके बेटा, वी विल सी यू टुमारो। ओके, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैंने ये क्वेश्चन डाले हुए हैं बीच में, तभी मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय बेटा।